केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। राजनीतिक सरगर्मी के बीच चुनाव आयोग ने आज देश की 18वीं लोकसभा के चुनाव की डुबडुबी लगा दी। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पेटी कसकर बांध ली है। चुनावी तिथियों के ऐलान के साथ ही प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। 543 सीटों के लिए ये आम चुनाव होने जा रहे हैं। एक दिन पहले ही यानी बीते दिवस दो चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार व सुखवीर संधु ने अपना पदभार संभाला है। चुनावी मौसम में कार्यकाल रहने के बावजूद चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा देकर अरुण गोयल ने सभी को चौंका दिया था, जबकि अनूप चंद्र पांडे के रिटायर होने के कारण एक दूसरा पद खाली हो गया था। इन दोनों ही पदों पर ज्ञानेश कुमार व सुखवीर संधु से भर दिया गया है। अब बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट की। प्रमुख व सत्तारूढ़ राजनीतिक दल भाजपा अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। साम दम दंड भेद की राजनीति माहिर भाजपा अभी तक यह नहीं तय कर पाई है कि इस सीट से वह किसे अपना प्रत्याशी बनाए। 3 बार से लगातार सांसद चले आ रहे राजेंद्र अग्रवाल को या फिर अन्य किसी को। हालांकि इस बार भी भाजपा इसी मंत्र को लेकर सभी जगह मैदान में उतर रही है कि प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, लड़ सिर्फ मोदी ही रहे हैं। यानी इस बार का लोकसभा चुनाव भी 2019 की भांति ही सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पर होने जा रहा है। यानी चेहरा चाहे कोई भी हो, वोटिंग मोदी के चेहरे पर होगी। इस सीट पर भाजपा के तमाम बड़े चेहरे टिकट पाने की जोर आजमाइश में लगे हैं। 3 बार से वैसे प्रत्याशी होने के कारण यह बिरादरी टिकट तय करने वालों के सामने अपना बड़ा पेपर वेट रखे हुए है। हालांकि पार्टी गाजियाबाद में किस बिरादरी को मैदान में उतारेगी, इसका समीकरण भी मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट को तय करने का मानक माना जाता रहा है और ऐसा यह प्रचलित भी है। यहां से अनिल अग्रवाल को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि यदि गाजियाबाद से किसी वैश्य को टिकट मिलता है तो मेरठ हापुड़ सीट से किसी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी बिरादरी के दावेदार की किस्मत खुल सकती है। यूपी की राजनीति में दूसरे नंबर पर आने वाली समाजवादी पार्टी ने इस सीट से बुलंदशहर निवासी अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह को उतार कर न सिर्फ दलित कार्ड चलने की पहल की है बल्कि सभी को चौंका भी दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहिद मंजूर, मौजूदा विधायक रफीक अंसारी, सर्वधारण विधायक अतुल प्रधान व पूर्व विधायक योगेश वर्मा टिकट के लिए मेरठ और लखनऊ की सड़क नापते रह गए और इस बीच में पड़ने वाले बुलंदशहर के भानु प्रताप ने बच मारी। हालांकि यह भी चर्चा है कि यदि अतुल प्रधान अथवा योगेश वर्मा को समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में उतारती तो चुनाव खासा रोमांचक होता। भानु प्रताप दलित हैं लेकिन फिर भी बाहरी। अब बहुजन समाज पार्टी कल यानी रविवार को अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करने जा रही है। गढ़रोड स्थित बुद्धा गार्डन में होने जा रहे समारोह देवव्रत त्यागी के नाम की घोषणा होनी है। पार्टी का मानना है कि त्यागियों व दलित वोटों के सहारे बसपा की वैतरणी यहां पार हो जाएगी। इसके अलावा यदि हवा बन गई तो मुस्लिम वोटर भी इस तरफ का रुख कर सकता है, लेकिन यह बात भी माननी होगी कि मुस्लिम वोट गैर मुस्लिम की तरफ केवल तभी जा सकता है जब उसे लगे कि वह भाजपा को हराने की कुवत रखता है। यानी कुल मिलाकर बसपा प्रत्याशी को अपने पक्ष में कुछ ऐसी हवा बनानी होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।